स्टूडेंट्स, हम संक्रामक रोग के बारे में पढ़ रहे थे, इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में, और हमने जाना था कि ये रोगाणु कितने प्रकार के होते हैं, क्या विशेषताएं हैं इनकी, कैसे हमें रोग उत्पन्न कर देते हैं, क्या माध्यम अपनाते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, क्योंकि अगर हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर है, तो ये रोगाणु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बच्चों, रोग प्रतिरक्षा या रोग प्रतिरोधक क्षमता का अर्थ है हमारे अंदर इन रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। और ये दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे नेचुरल इम्यूनिटी पावर कहते हैं, और कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता एक्वायर्ड इम्यूनिटी पावर। तो जो प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है तो ये जन्मजात होती है, जन्म से होती है। कोई बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, उसे सफाई में रखा जाता है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, उसका वैक्सीनेशन कराया जाता है, फिर उसे खाने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार दिया जाता है, तो उसकी जो प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती चली जाती है। एक तरफ होती है कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता एक्वायर्ड इम्यूनिटी पावर। तो वो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पावर है वो टीकाकरण या वैक्सीनेशन के द्वारा, या फिर कुछ रोग ऐसे होते हैं जैसे चेचक, चिकनगुनिया, टाइफाइड, जो एक बार हो जाए तो दोबारा वो नहीं होते, क्योंकि वो एंटीबॉडी बना देते हैं शरीर में। तो कभी जब दोबारा रोग आता है तो वो उससे फाइट करते हैं, उसको मार देते हैं। तो ये कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी पावर कहते हैं। बच्चों, जो जन्मजात रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो सभी लोगों में एक समान नहीं होती। एक बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ है और एक अस्वस्थ, वो शुरू से ही बीमार पैदा हुआ है, तो वो उसके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होगी, तो उसे बीमार पड़ेगा, उसे ज़्यादा जल्दी जो कीटाणु हैं, बैक्टीरिया, वायरस उस पर अटैक करेंगे। लेकिन जो जन्म से ही स्ट्रांग है तो उस पर ये जो अटैक भी करेंगे तो उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता है, तो वो उसे उन कीटाणुओं को मार देगी। और इसके बाद भी अगर ये हमें बनाए रखनी है तो उसके लिए बच्चे का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, खुद का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है नेचुरल इम्यूनिटी पावर, तो हमें नेचर से तो मिली है, लेकिन इसको बनाए रखने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, हमें साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, अपनी त्वचा का ध्यान रखना पड़ता है, नहाना पड़ता है अच्छे से, और संतुलित और पौष्टिक आहार करना पड़ता है। और इन लोगों को भी, ये नहीं है कि हम जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पावर अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता है सिर्फ उन्हीं को लगाएंगे जिनको इम्यूनिटी पावर उनकी कम है। जो नेचुरल इम्यूनिटी पावर वाले बच्चे होते हैं या जो वयस्क होते हैं, तो उन्हें भी वैक्सीनेशन कराया जाता है ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पावर वाले होते हैं, यानी वो अर्जित की जाती है, तो उन्हें भी टीकाकरण तो उन्होंने करा लिया, उसके बाद भी तो उन्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि टीकाकरण वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि वो रोग बिल्कुल आपके अंदर जाएगा ही नहीं। टीकाकरण वैक्सीनेशन का मतलब है कि अगर वो रोग आपको लगता भी है तो वो उतना हार्मफुल नहीं होगा, वो बच्चे की जान नहीं लेगा। जिसको भी टीकाकरण वैक्सीनेशन हो गया है वो इतना सीवर अटैक नहीं करेगा कि उसकी जान चली जाए, लेकिन रोग तो लगते हैं, अटैक होता है, तो टीकाकरण उसको कम कर देता है। इसलिए टीकाकरण के बाद भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ये रोग होगा ही नहीं, बस सबको अपना ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली बच्चों को, उनका वैक्सीनेशन हुआ है उनको और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उन्हें पौष्टिक आहार देना चाहिए, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। अगर किसी बच्चे की इम्यूनिटी पावर कम है, वो जन्म से उसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, तो उसे भी अच्छे खान पीन द्वारा, साफ सफाई द्वारा, उसका वैक्सीनेशन करके उसे बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू बच्चों।